दोस्तों देखो यहाँ पे, देखो देखो दोस्तों कैसे जा रहा है सांप खाने। ये देखो मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखो ये देखो बहुत सारे इस पर लगे हुए, इतने स्वादिष्ट और खट्टे मीठे होते हैं ना ये, बहुत ही। देखो कितने सारे इस पर लगे हुए हैं तिम्बल, देखो ये देख सकते हैं आप, वाह। पेड़ पे भी लगे हुए हैं, देखो बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे तिम्बल के, देखो इस पे सारे पे लगे हुए हैं देखो। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रजनी ढापा और मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रजनी ढापा ब्लॉग में। तो दोस्तों देखो मैं आज ना अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे गाय चुगाने के लिए आई हूँ, और देखो मम्मी जा रही थी, वो देखो दोस्तों सामने ऊपर ना मेरा घर है, और घर से थोड़ी दूर पर आई हूँ मैं यहाँ पर। हमने नाश्ता कर लिया था और सुबह सुबह की आज हम 8 बजे आ गए थे, अभी 8 ही बज रहे हैं, अभी अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं। और देखो बच्चे भी आ रहे हैं, वो देखो ऊपर केले के पेड़ के सामने बच्चे खेल रहे हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे, देखो ये देखो कितना बड़ा है, और देखो दोस्तों कैसे जा रहा है सांप खाने। ये देखो मैं यहाँ पे गाय चुगाने आई थी और मैंने देखा यहाँ पे, देखो कितना बड़ा है, चला गया ऊपर। और दोस्तों देखो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, मैं यहाँ पे आके मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ गाय चुगाने के लिए आई हूँ। ये देखो मम्मी ने कहा गोड़ चराने चलो, तो मैं आ गई मम्मी के साथ गोड़ लेके। ऊपर देखो मेरे घर है, केले के पेड़ के पीछे हैं, और इस साइड को गांव है, ये देखो पूरा गांव है ऊपर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी बकरियाँ चल रही है, ये आम का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है ये देख सकते हैं आप, और बहुत ही बड़ा है ये, देखो बहुत बड़ा है। और इसके नीचे ना गाय छाई में भी है और बकरी भी हैं, ये देखो आकृति आदर्श भी देखो छोटी छोटी बकरियों को चुगा रहे हैं। देखो ये आदर्श रो रहा है सामने, और मम्मी ऊपर है, देखो एक गाय को लेके आ रही है मम्मी नीचे, और वहाँ पे सामने है किसी और का घर है वो, ये देखो ऊपर, ये देखो ये है मेरा घर दोस्तों, पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा केले के पेड़ के पीछे दिख रहा है ये वाला हल्का सा, ये देखो ये है हमारे घर के सामने का व्यू, इस तरह का है कुछ। इधर भी हम गाय चुगाने जाते थे पहले, ये देखो इस साइड को नीचे इस तरह से है यहाँ पे गाय चुगाने के लिए, ये देखो इधर ये भाभी और भी आ गए हैं अपनी गाय को लेके, ये देखो। और आकृति ऊपर है थोड़ी सी ऊपर, ये देखो ऊपर है वो, मेरी मम्मी भी आ गई है। ये पेड़ है देखो आम का, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले ना सारे मेरी फ्रेंड वगैरह हम यहीं पे बैठ के और गाय चुगाते थे गर्मियों में, इधर बैठ जाते थे हम, और नीचे तक हम वहाँ तक हम गाय छोड़ देते थे, ये देखो बिल्कुल वहाँ तक, ये देखो ऊपर सारा खुला हुआ है। अरे यहाँ पर किसी ने ना खेती नहीं कर रखी है, तो जितना मर्जी नीचे तक देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम अपनी गाय चुगा सकते हैं जितना भी दूर, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो यहाँ से शुरू करी है हमने, आज मेरे मम्मी के साथ, मैंने कहा मम्मी मैं भी आऊँगी, तो आज मैं भी मम्मी के साथ आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितने सारे इस पर लगे हुए हैं तिम्बल, देखो ये देख सकते हैं आप, वाह। ये देखो दोस्तों बहुत सारे लगे हुए हैं, इसका अचार भी बनता है, इसकी सब्ज़ी भी बनती है, इसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं ना, बहुत अच्छी होती है इसकी सब्ज़ी, बहुत टेस्टी। और इस तरह पके हुए भी हैं, एक आधी पके हुए देखो दिखो तुम, वो भी चिड़िया ने ना खा रखा है हल्का सा, ये देखो यहाँ सामने, और देखो आदर्श इधर आओ, आदर्श धूप में जा रहा है, और इस वाले पेड़ पे भी लगे हुए हैं, देखो बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे तिम्बल के, देखो इस पे सारे पे लगे हुए हैं, देखो वाह कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत बड़ा पेड़ है ये देखो, ये देखो ये देखो मेरी भतीजी, ये देखो ये चढ़ेगी पेड़ पर चढ़ जाएगी, तो कहीं नहीं। और अभी ना मैं आपको दिखा, वो देखो मेरा भतीजा चढ़ा हुआ है पेड़ पे, वो देखो वो तोड़ रहा है तिम्बल, पकी छन ओए पकी छन, ये देखो वो भी तोड़ रहा है वहाँ, उस पर ना एक आधे पके हुए होंगे, ढूंढ रहा है वो भी। अभी हम यहाँ पे बैठ गए हैं, और देखो हमारे पे ना ये लग गए, देखो कुर चिपट गए हम पे, देखो
ये देखो मेरे पे निकाल दिया, सुमा निकालेगी मेरे से कुर, देखो बहुत सारे चिपट गए हैं, देखो ये देखो अभी निकालेंगे इनको, थोड़े थोड़े से निकालेंगे अभी इनको, देखो बहुत सारे चिपट गए हम पे। वो देखो दोस्त गाय को पता नहीं क्यों गुस्सा रखा है, सबको मार दिया। ये देखो इसको क्यों आया भाई गुस्सा, ये सबको मार रही है, देखो ये देखो दोस्तों, देखो मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए पानी लेके आए हैं, देखो कितनी फिक्र है उनको, और मेरी मम्मी भी है, ये देखो मम्मी ने भी शायद पीछे पानी ही बांध रखा है, और मैं थोड़ी दूर पे हूँ ना इसलिए आपको जूम करके दिखा रही हूँ। वो देखो देखो, हाँ जी मैं उनके पास जाती हूँ, मुझे बुला रहे हूँ। तो अब मैं इस तरफ आ गई हूँ, देखो कितना अच्छा जंगल है यहाँ पे, ये देखो ये देखो जंगलों के बीच में, उस टाइम मैं बीचों बीच झाड़ियों के बीच में खड़ी, और उस तरफ नीचे की साइड हमारी गाय है वो बीच में दिख नहीं रही है, मम्मी ने बोला आप इस तरफ तो खड़े हो जाओ, और हस्बैंड भी नीचे गए हैं गाय को लेने के लिए, गए हैं इसके नीचे, अभी आ जाएंगे उस रास्ते से यहाँ पे आएंगे, और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ क्योंकि इधर नहीं जाने देना, यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है ना, तो यहाँ बाघ भूख की, यहाँ बाघ भूख होते हैं तो डर लगता है मतलब बकरी उकरी उठाने का, तो इसलिए मैं इस साइड को खड़ी हूँ, यहाँ से मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत जंगल है यहाँ, घना जंगल। हमारी गाय देखो, ये देखो ये देखो, लोगों की भी है और हमारी भी, ये देखो ये देखो दोस्तों, देखो इस साइड को आ गई हूँ मैं मम्मी के साथ में, और देखो दोस्तों यहाँ पे आई ना मैं, यहाँ पे देखो कितना छोटा सा पेड़ है तिम्बल का, इस पे बहुत सारे लगे हुए हैं, देखो अभी इनको तोड़ के ना मैं रुड़की के लिए भी मैंने पन्नी भेजी बच्चों के लिए ना, मैंने बोला एक छोटी सी पन्नी लेके आओ, मैंने तोड़ के ना अपने साथ रुड़की में ले जाऊँगी। यहाँ पे देखो मेरी मम्मी बैठी हुई है, ये देखो यहाँ पे मेरी मम्मी, वो देखो गाय चुग रही है, यहाँ पे मेरी भतीजी आई हुई है, आरो छोड़ दे दादी को, ये दादी बोल मैं वो भी जंगल छोड़ल, यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई हूँ, देखो मैं मम्मी के साथ गोड़ चुगा रही हूँ यहाँ पे, ये देखो कुछ बोले था, ये बोल है, बोल हाय कैसे हो, हाय ठीक हो, हाय दोस्तों मम्मी हाय बोल रही है, और आप भी बोलो, हाय बोलो, हाय बोल, मैं अपनी दादी के साथ आई हूँ, बोल हेलो दोस्तों कैसे हैं आप, हाय दोस्तों, हाय बच्चों कैसे हैं आप, ठीक है। मेरी माँ मुझे यहाँ पे बुला रही हैं, पता नहीं क्यों, मैं क्या बोलने से हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे पका हुआ है ये खैन, इसको खैन बोलते हैं, देखो मम्मी ढूंढ रही है, वाह कितने सारे आगो बच्चे यार मायो जी, देखो दोस्तों देखो ये मम्मी ने दिया है मुझे, और देखो पका हुआ है ये, देखो इसको हम खैन बोलते हैं गढ़वाली में, और हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, इस तरीके से इसका पेड़ होता है, ये देखो ये है इसका पेड़ देख सकते हैं आप, इसके ना इसके बाद ये उसके इसके ऊपर टहनी पे भी फल होते हैं, ऊपर नहीं होते लेकिन ये होते हैं इनके ना जड़ों पे, ये जो बेल से बनी होती है इस पेड़ पे, और इस पर ना आपको यहाँ से दिखाती हूँ मैं, इस पर देखो इस तरीके के से बेल निकलते हैं इस पर, ये इसमें ना इस तरीके से ये फल लगे रहते हैं, देखो मम्मी दे रही है मुझे, मम्मी को तो ये बिल्कुल पका हुआ मिल गया, देखो बहुत मीठा हो रहा है यार ना माँ, कैसे देखो अरे ना जमीन के अंदर देखो कितने सारे होते हैं, देखो माँ उसके पास निकालो को, देखो देखो आपको दिखा रहा है, यहाँ देखो जड़ों के अंदर ना ये देखो नीचे देखो यहाँ हो रहे हैं बहुत सारे हो रहे हैं, यहाँ देखो तो देखो ये देखो पेड़ पे ना ऊपर से देखो, बस इससे ऊपर नहीं होते इसके ऊपर ना जो टहनी पे बिल्कुल नहीं होते इस पर, और यहाँ से नीचे देखो इस पेड़ की खासियत है, नीचे की तरफ देखो जितने मर्जी देख सकते हैं यहाँ पे, देखो बिल्कुल पके हुए हैं इस पर, बल्कि ऊपर तो टहनी होते तो बहुत कम है, ये देखो अंदर तक पके हुए हैं, ये कुछ पक गए हैं ये देखो, और कुछ अभी बहुत छोटे छोटे हैं, ये देखो
और इधर देखो दोस्तों, आप इधर तो आप यकीन नहीं करेंगे ना, ये देखो इतने सारे हैं, देखो ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये देखो इतने पके हुए हैं ना, ये इतना अच्छा लग रहा है ना। और ऊपर दिखाते हैं, मैंने झाड़ियों में दिख नहीं रहे, देखो ये देखो दोस्तों, ये पूरा भरा हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वाह अच्छे, अब बहुत मीठे होते हैं खाने में, स्वादिष्ट। मैं निकालूंगी इनको अभी खाने के लिए, और ऊपर देखो, फिर देखो दोस्तों ऊपर नहीं है, टहनियों पे नहीं होते ये फल, ये नीचे ना इस पर होते हैं, हम तो इसको खैनी बोलते हैं, ये देखो, आहा बहुत स्वादिष्ट है ये। देखो आरू ने तो बहुत सारे खा लिए, देखो बहुत मीठे हो रहे हैं, आरू कह रही है। अब मम्मी कह रही घर जाते हुए टुकड़ेंगे उनको, घर में सबको देंगे। पहले हम बचपन में ना इस पेड़ पर चढ़ के बहुत खाते थे, ये हो रहे मीठे। बहुत मीठा है, देखो वहाँ पे लाल वाला, कहाँ पे लाल वाला। मैंने आपको एक नया फल दिखा दिया है, ये देखो जितने पर नज़र जा रहे हैं सारे में देख सकते हैं आप, देखो ये देखो बहुत सारे इस पर लगे हुए, इतने स्वादिष्ट और खट्टे मीठे होते हैं ना ये, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये खाने में। यहाँ देखो दोस्तों नीचे तक बिल्कुल जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक, ये देखो आरू तो बहुत मस्त हो रही, पेट भर के इसने ये खाना नहीं खाएगी अब घर जाके। मम्मी वो देखो, मम्मी उधर गई हुई है झाड़ियों में, माँ मम्मी के साथ हमें बकरी चुगाने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर पे, मम्मी जा रही है वहाँ दूर और मेरे बच्चे ना चले गए हैं घर पे, आकृति आदर्श, तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे, ये बाद में आएंगे। आरू मेरे साथ आ रही है, चला जा। तो आरू और मैं जा रहे हैं घर पे, मम्मी थोड़ा दूर पे जा रहे हैं, तो वहाँ हम बच्चों को नहीं ले जाते ना, तो मम्मी भी थोड़ी देर में आएगी, इधर और भी लोग हैं मम्मी के साथ में, तो मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि बच्चे अकेले चले गए हैं, तो अभी मैं घर पे जा रही हूँ। तो दोस्तों अभी दिखाती हूँ भाभी क्या क्या कर रही है घर पे, और हमारे घर पे क्या क्या हो रहा है अभी आपको दिखाती हूँ। आज मैं सुबह उठ के चाय पानी पी के हल्का फुल्का नाश्ता करके आई थी यहाँ पर, और काफ़ी देर से मैं घर नहीं गई, तो अब मैं घर जा रही हूँ। और देखो मम्मी और ना वो उधर हैं, उधर है मम्मी और वहाँ पे, और वहाँ बैठी हुई है मेरी मम्मी, कोई और लोग भी हैं वहाँ पे मम्मी के साथ में। तो मैं जाती हूँ घर पे, इधर से चल। ये देखो वीडियो बड़े ली जानता, ये देखो केले के पेड़ पे लगे हुए हैं केले, इनके हैं ये भाभी जी और के इनके हैं, ये बहुत सारे लगे हुए हैं हमारे, और यहाँ पे दो, और बीच में भी है एक तीन, अरे देखो इस पे पांच फिरकी केले के लगे हुए हैं इस पे, देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो सबसे बड़ी वाली ये है, और बड़ी वाली पीछे है, वो जाएंगे 10-15 दिन में। अरे खाएगी केले, केले तो हमारे यहाँ बहुत होते हैं बहुत। ये देखो दोस्तों हमारा घर, ये देखो पूछने वाली हूँ मैं अपने घर पे, ये जो ये दो कमरे अगल बगल खिड़की वाला है मेरा घर बिल्कुल। और देखो मेरी भतीजी जा रही है आगे और मैं पीछे हूँ, सांस फूल गई रही मेरी भाग भाग के। सभी लोग आ गए हैं अपनी गाय बकरियों को चुगा के, मम्मी थोड़ी नीचे, मम्मी भी आएगी अभी। देखो ये देखो ये तो आ गई हूँ मैं गाय चरा के, और मैं पानी पी रही हूँ पहले। और देखो भाभी बना रही है यहाँ पे चाय,
मेरे आते ही भाभी ने चाय तैयार कर दी। तो भाभी ले गई है वहाँ पे चाय, वो देखो ए परी परी भी तू किला नहीं है वक्त।